और बात करते हैं ओपी राजभर की सावधान यात्रा की, जो आज आजमगढ़ पहुंची। ये वही इलाका था जहां कुछ दिन पहले ओपी राजभर ने लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी रहे धर्मेंद्र यादव के लिए चुनाव प्रचार किया था, लेकिन आजमगढ़ में हार के साथ ही सपा और सुभाषपा के रास्ते अलग हो गए। आजमगढ़ में ओपी राजभर फिर से अखिलेश यादव पर हमलावर दिखे। जहां जून के महीने में राजभर ने अखिलेश के लिए पसीना बहाया था, उसी रणभूमि में वो सपा पर आग उगलते नजर आए। सुभाषपा की सावधान एक्सप्रेस लखनऊ और अंबेडकर नगर के रास्ते काशी होते हुए जब आजमगढ़ पहुंची, तो इसकी चुभन अखिलेश के लाल खेमे में जरूर हुई होगी। पिछली बार जब ओपी राजभर आजमगढ़ पहुंचे थे तो हालात अलग थे, क्योंकि तब वो अखिलेश की टीम के साथ खड़े थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आजमगढ़ की जमीन से उन्होंने अखिलेश पर सीधा हमला बोला और उपचुनाव का जिक्र करने से भी खुद को रोक नहीं पाए। देखिए, आप लोग उसके गवाह हैं। आजमगढ़ में जितनी ताकत लगा करके मैंने उपचुनाव में मेहनत किया, 300 नेताओं को लेकर 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में काम किया, उसके बाद भी नेता को विश्वास नहीं, खाली अपने वोट पर विश्वास है। इसी आजमगढ़ में नेता आते हैं और जेल में बंद माननीय रमाकांत यादव जी से मिलकर चले जाते हैं, बगल के जिला जौनपुर में आते हैं और अपनी बिरादरी की तरही में जाकर मिलकर चले जाते हैं, फिरोजाबाद जाते हैं अपनी बिरादरी की तरही में चले जाते हैं। तो खाली यादव जी मरते हैं, पंडित जी नहीं मरते, बाबू साहब यादव जी, पटेल जी, राजभर जी, चौहान जी, मुसलमान जी नहीं मरते। राजभर अपनी पूरी यात्रा में सीधे सीधे अखिलेश पर हमलावर नजर आ रहे हैं। वो जो भी बात कहते हैं वो अखिलेश की तरफ ही इशारा करती है। राजभर ने फिर ये बताने की कोशिश की कि उनकी ये यात्रा किससे सावधान करने की है। सावधान कर रहे हैं कि आपके बीच में कोई नेता आवे तो उससे ये सवाल करो कि आप सत्ता में जब रहते हो तो आप इसको क्यों नहीं कानून बनाते हो? आप सत्ता में रहते हो तो गरीबों को इलाज फ्री में करने का कानून क्यों नहीं बनाते हो? आप सत्ता में रहते हो तो रोजगार परक शिक्षा के कानून क्यों नहीं बना देते हो, ताकि बच्चे पढ़ लिख करके रोजगार, बड़ी संख्या में बेरोजगार हो रहे हैं तो बेरोजगारी में गिरावट तो कम से कम हो। यानी आजमगढ़ में जाकर राजभर ने अखिलेश के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करने की कोशिश की। राजभर ने रामायण के जरिए रावण और हनुमान का भी जिक्र किया। एक मैंने रामायण में पढ़ा है, लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, तो काल नेमी किसके द्वारा भेजा गया? सब लोग जान रहे हैं कि रावण के द्वारा भेजा गया, तो काल नेमी भेजा गया कि हनुमान संजीवनी बूटी न लेके आवे, लेकिन हनुमान जी बहुत चला, काल नेमी को उलट दिए। ओपी राजभर लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। उनके टारगेट पर हर वक्त अखिलेश ही दिखाई दे रहे हैं और जब बात योगी सरकार की होती है तो जुबान मुलायम हो जाती है। हम तो हमेशा खिलाफ रहते हैं, आपने देखा भी होगा कि 18 महीना में हम इस्तीफा दे के चले आए है ना। अभी तो हम सरकार में नहीं हैं, हम तो MLA हैं, विपक्ष में हैं, और मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारे सामने प्रमुख सचिव समाज कल्याण, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, तीनों को बुला करके फाइल चेक कराया और कहा कि देखो ये ओम प्रकाश का मामला भाई, ये अभी नहीं सुनोगे तो तुरंत मीडिया में जाके कहेंगे कि खिलाफ कर रहे हैं। राजभर जिस आजमगढ़ में थे उसे समाजवादी पार्टी भले लोकसभा चुनाव में हार गई, लेकिन विधानसभा चुनाव में सपा ने यहाँ क्लीन स्वीप किया था और राजभर ने अब अखिलेश की इसी ताकत में सेंध लगाने की कोशिश की है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।